हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में सिटअप टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सिटअप टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है और उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके प्रोसीजर, मतलब सिटअप टेस्ट आपको कैसे कंडक्ट करना है, उस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम बात करेंगे इस सिटअप टेस्ट के एम के बारे में। तो इस टेस्ट का एम है टू मेजर द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ एब्डोमिनल मसल एंड हिप फ्लेक्सस मसल। तो हमें इस टेस्ट के द्वारा हमारी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस मालूम पड़ती है, हमारी एंड्योरेंस एंड हिप फ्लेक्सस मसल की। तो ये टेस्ट में आपको करना क्या होता है, आपको एक मिनट में मैक्सिमम सिटअप्स मारने हैं। ये टेस्ट कंडक्ट करने के लिए ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं लगते हैं, सिर्फ आपको मैट, योगा मैट और या फिर आप डायरेक्ट ये टेस्ट ग्राउंड में ही ले सकते हैं। ये टेस्ट आप खुद पे ही ले सकते हो घर बैठे ही, या फिर आप अपने प्लेयर्स के ऊपर ले सकते हो, या तो फिर आप आपके स्टूडेंट्स के ऊपर ले सकते हो उनकी फिटनेस लेवल जानने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं कि ये फिटनेस टेस्ट कैसे लेते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप सिटअप मारोगे तो आपकी बॉडी की पोजीशन कैसी रहनी चाहिए और आपको सिटअप्स कैसे मारना चाहिए, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप सिटअप पोजीशन के लिए आओगे तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो आपको ये नी है, ये नी राइट एंगल पे होना चाहिए इस तरह से, और आपको लाई डाउन करना है और आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपको यहाँ पे थाई पे रखना है, रेस्ट कराना है। तो ये हो गई स्टार्टिंग पोजीशन। और जब भी आपको टाइमर रेडी गो बोले तो आपको करना क्या है, आपको आपकी अपर बॉडी जो है वो आपको ऊपर की तरफ लानी है, सिर्फ आपको यहाँ तक लानी है। जब तक आपके दोनों हाथ आपके जो टॉप ऑफ द नी है वहाँ पे टच नहीं होते, तब तक आपको आपकी अपर बॉडी ऊपर की तरफ लानी है। आपको मैं दिखाता हूँ, सिर्फ इतना ही, जब तक आपके दोनों हाथ ये टॉप ऑफ द नी टच नहीं होते उतने ही वक्त आपको ऊपर आना है। आपको यही मैक्सिमम मानने हैं एक मिनट में। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि आप अपनी नेक का इस्तेमाल ना करें ऊपर आने पे, यहाँ पे आपको पेन हो सकता है और आपको इंजरी हो सकती है। तो आप हमेशा ये ट्राई करो कि आप जब भी आओ तो सिर्फ अपनी अपर बॉडी का इस्तेमाल करो ऊपर की तरफ आने को। ये सिटअप्स आपको मारने हैं एक मिनट में, मैक्सिमम मारने हैं, आप जितने मार सकते। ये जो सिटअप टेस्ट है ये बोथ मैन एंड वुमन के लिए है, जो भी 18 प्लस है वो ये टेस्ट कर सकते हैं। और आपको और ये टेस्ट है जो एक टाइम बेस्ड टेस्ट है, तो इस टेस्ट में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटअप्स मारने हैं इन अ गिवन टाइम, दैट इज़ 1 मिनट। और आप जब ये टेस्ट ले लेते हैं आपको स्कोर मिल जाते हैं। तो उस स्कोर को आपको करना क्या है, मैंने आगे की वीडियो में एक नॉर्म्स का टेबल दिया है, वहाँ पर जाइए और आपका ये जो स्कोर है, आपको सपोज 20 सिटअप्स मिले या 30 सिटअप्स मिले हैं, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे वो नॉर्म्स के टेबल में जाके आपको ये स्कोर्स कंपेयर करने हैं। तो वहाँ पे आपको आपके परफॉर्मेंस की रेटिंग मिलेगी, आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था, मतलब गुड था, एवरेज था या एक्सीलेंट था, वहाँ पे जाके आप ये सब चेक कर सकते हो और आप अपनी फिटनेस लेवल के बारे में जान सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई भी टेस्ट लेने में तकलीफ़ होती है तो मुझे बताइए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और जितना हो सकता है उतना आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।